हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो मैं लेकर आई हूँ कि आप अपने हैंड्स पर या लेग पर फुट वैक्स करनी है आपको, या फिर आपको हैंड वैक्स करनी है, तो आप कौन सी वैक्स कर सकते हैं इस रेनी सीज़न में और कैसे कर सकते हैं, सारे ही मैं स्टेप्स आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं यहाँ पर जो वैक्स यूज़ करने जा रही हूँ वाइट चॉकलेट वैक्स है, क्योंकि मेरे क्लाइंट के बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है। तो वाइट चॉकलेट वैक्स जो होती है उससे टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो देखिए, वीडियो को देखिए कि किस तरह से हम वैक्स को अप्लाई कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हम हेयर्स को स्ट्रिप्स की हेल्प से रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए कि हम सीधे सीधे हम पहले वैक्स को लगाते हैं और फिर अपोजिट डायरेक्शन में हम स्ट्रिप को खींचते हैं पीछे की साइड में। देखिए कितनी सारी टैनिंग है। ये वैक्स इतनी अच्छी है कि इसे जितनी भी टैनिंग होती है वो रिमूव हो जाती है, प्लस जो हेयर होता है वो भी अच्छे से निकल जाता है स्किन में से। जितना अंदर उसकी लेयर होती है वो काफ़ी अंदर से निकलता है अगर आप अच्छे से करते हैं तो। और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये भी है गाइस कि ये जो वैक्स है ये ज़्यादा गर्म नहीं लगती है, जैसे कि हम हनी वैक्स करते हैं तो हनी वैक्स बहुत लिक्विड ही होती है तो वो हमें बहुत गर्म लगती है। तो वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट वैक्स जो होती है थोड़ी थिकनेस होती है इसमें, तो इस वजह से हमें ज़्यादा गर्म नहीं लगती है। तो सबसे पहले हमें वैक्स अप्लाई करने से पहले हमें क्लाइंट के, जैसे अगर हम हाथ पे वैक्स कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पाउडर लगाया था, और उससे पहले ये पूछ लीजिए क्लाइंट से कि आपके हैंड्स पर कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह तो नहीं लगा है। अगर लगा हुआ हो तो सबसे पहले आपको उससे क्लीन करना चाहिए, उसके बाद पाउडर लगाने के बाद आपको वैक्स की एप्लीकेशन करनी चाहिए, उसी के बाद आपको वैक्स स्ट्रिप को ऊपर की साइड में खींचना है तो आपका इजीली हेयर रिमूव हो। क्योंकि फ्रेंड्स अभी रेनी मौसम चल रहा है तो ऐसे में वैक्स इजीली नहीं होती है, तो हमें एसी ऑन करके इस वैक्स को करना चाहिए तो अच्छे से हो जाती है वैक्स। जिस डायरेक्शन में हेयर्स होते हैं उसी डायरेक्शन में हमें वैक्स को अप्लाई करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में हमें वैक्स की स्ट्रिप्स को खींचना होता है, और इसी तरह से हमारी वैक्स हो जाती है। इस वाली वैक्स को आप फुट पे कर सकते हैं, फुल बॉडी वैक्सिंग भी कर सकते हैं, अंडरआर्म्स कर सकते हैं, तो ये वैक्स अफोर्डेबल भी होती है। और तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं अगर ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो। एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल।
सो ये है आज की वीडियो, हमने हैंड वैक्स करके बताई है, फुली स्टेप बाय स्टेप वीडियो शेयर की है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।